ചിപ്പ മടുക്കണം വരുമണി സിഖാപ്പതും സമാധിയാമി ചുറാമേരി മജ്ജിപ്പ മടുക്കണം വരുമണി സിഖ एक फोन आया आगरे से, अननोन नंबर था। मैंने उठाया तो कहने लगे जी कि मैं आगरे से बोल रहा हूँ। कोई नाम उन्होंने बताया, अभी याद नहीं मुझे। और हमने एक कार्यक्रम यहाँ लगाने का किया है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे, तो 26 नवंबर को यहाँ हमारा कार्यक्रम रहेगा, आप आ सकते हैं बोलने के लिए। तो मैंने कहा भाई आपको मेरा नंबर किसने दिया? तो कहने लगे कि प्रोफेसर रतनलाल जी ने आपका नंबर दिया, उनको हमने इनवाइट किया था 26 तारीख को, वो तो मध्य प्रदेश जा रहे हैं, तो उन्होंने आपका नंबर रिकमेंड किया है, आपका नाम रिकमेंड किया है, तो आप बताइए। तो मैंने कहा भाई अगर 26 तारीख का है तो आप बताइए कि क्या कार्यक्रम है। तो उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, मनाएंगे। तो मैंने पूछा कितने लोग लगभग होंगे? तो उन्होंने कहा कि अभी हम इकट्ठा करेंगे, बताएंगे, 100-150-200 लोग उन्होंने कहा। तो मैंने उनसे पूछा और कौन कौन स्पीकर हैं, क्या क्या आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक स्पीकर ये हैं, एक स्पीकर ये, हम उनसे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं उनको। मैंने पूछा कार्यक्रम पहले आपने कभी लगाया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पहली बार कार्यक्रम लगा रहे हैं। तो मैं उनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहता था, पहली बार कार्यक्रम लगा रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम में कहीं जाने में और आने में जितना समय जाता है उसका लाभ नहीं होता। आज के समय आप अपनी बात को या जो आपने कहना है उसको लिखकर बोलकर या वीडियो बनाकर ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और वो लोग आगे आपकी बात को अगर फॉलो करना चाहेंगे तो आगे वो जिक्र करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, ये मल्टीप्लाई होता रहता है, आसान तरीका है। आने जाने में टाइम बहुत लगता है, आधा घंटे में कोई ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते और वहाँ लोगों का मूड नहीं होता। और कहीं अगर खाने के टाइम बीच में आ गया और लोगों को भूख लगी, फिर तो वो आपकी एक बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि भूखा आदमी कुछ नहीं सुनता। फिर वहाँ कई बार माइक की स्थिति बड़ी ख़राब होती है, लोगों की स्थिति ख़राब होती है, लोग कई बार आते भी नहीं हैं। मगर मैं उनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहता था, तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आप प्रोफेसर हैं? तो मुझे हंसी आई। हंसी इसलिए आई क्योंकि अब मैं जो इसे बताने वाला हूँ उसके बाद ये फ़ोन पर मुझसे बात नहीं करेगा। तो मैंने कहा मैं प्रोफेसर नहीं। तो उसने पूछा फिर आप कौन हैं? मैंने कहा मैं एक साधारण आदमी हूँ। तो फिर वो थोड़ा सा मायूस हो गया। तो उसने कहा अच्छा तो ये मेरा नंबर है, आप इसको सेव कर लेना और मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसने फ़ोन को रख दिया। ठीक ऐसे ही एक कहानी हुई थी, एक फ़ोन आया था मुझे बिहार की साइड से। उसने मेरी वीडियोस देखी और वीडियोस देखने के बाद में उसने बहुत मेहनत से मेरा फ़ोन नंबर ढूंढा कहीं से। यूजुअली मैं फ़ोन नंबर देता नहीं किसी को। फ़ोन नंबर ढूंढने के बाद में उसने मुझे फ़ोन किया, और फ़ोन करते समय उसकी जो कृतज्ञता थी, उसका जो आभार था, वो ऐसा था कि बस वो पैरों में लेटना ही बाकी है। बहुत उसने तारीफ़ें की, सारी बात की। तो मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ के हो, कैसे हो? तो उसने बताया कि मैं उस जिले का हूँ। फिर मुझे थोड़ी हंसी आई। वो हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि अब मैं जो उसको बात बताने वाला हूँ उसके बाद इसकी कृतज्ञता, इसका आभार, वो सब खत्म होने वाला है। तो मैंने कहा कि मैं भी उसी जिले का हूँ। तो उसे खुशी के साथ में थोड़ा अफसोस हुआ। फिर उसने पूछा उस जिले में कहाँ के हो, कैसे हो? मैंने बताया उस जिले में वहाँ का हूँ, वैसा हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने कहा भाई मैं तो 8 पास हूँ। 8 का मतलब है अट्ठसील, यानी अष्टांगिक मार्ग। वही तो पढ़ाता हूँ मैं आपको, अष्टांगिक मार्ग पढ़ाता हूँ, तो 8 अंगों वाला मार्ग पढ़ा हुआ हूँ, तो 8 ही बोलता हूँ। तो वो थोड़ा मायूस हो गया और उसने जल्दी से बात ख़त्म की और पैक किया। तो मैंने कहा अब इसका फ़ोन कभी नहीं आएगा, अभी तो जो मेरे पैरों में पड़ने को तैयार था और आभार पे आभार तेरा था, अब वो भार हो गया, यानी मैं भार हो गया। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समाज की एक टेंडेंसी है। समाज में अगर आप ग्रस्त हैं या आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपकी बात का कोई वेटेज नहीं है, बेशक वो बात कितनी अच्छी है। वो जमाने चले गए जब कबीर जैसे लोग हुआ करते थे, जो अपना कपड़ा भी बुनते रहते थे और बात भी सही बोलते थे, और उनकी बात को लोग नोट करते थे और वो जानते थे और समझते थे। अभी ज़माना कैपिटलाइज हो गया है, यानी कैपिटल हो गया है सारा का सारा,
आपके पास में अगर डिग्रियां हैं, आगे पीछे आपके नाम के पीछे बड़े बड़े अलंकार हैं या कोई सरकारी पोस्ट है, तो आप कामयाब व्यक्ति हैं। प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, आईआरएस हैं, कोई क्लास वन हैं, क्लास टू हैं या फिर नीचे हैं, तो उसी हिसाब से आपकी इज्जत है और उसी हिसाब से आपकी बात है। ये समाज के दिमाग में डाला गया है, क्योंकि समाज के दिमाग में ये बात इसलिए भरी है क्योंकि जो समाज के विरोध में जो लोग हैं, जो समाज के प्रतिद्वंदी हैं, वो लोग किसी भी व्यक्ति को ऊपर तक चढ़ाकर नीचे लाने में एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने पूरे पूरे समाज का एक ध्रुवीकरण किया हुआ है, पढ़े लिखे और डिग्री होल्डर वर्सेस जो साधारण लोग हैं वो, ताकि वो आपस में मिल ना पाए। क्योंकि समाज जब इकट्ठा होगा, जब ये पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोग और बिना पढ़े लिखे साधारण लोगों से आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ उठेंगे, तब जीतेंगे। और अगर इनका बाइफर्केशन किया जाए, इनको टुकड़ों में तोड़ दिया जाए और इनके दिमाग में ये बात डाल दी जाए, अरे तुम तो प्रोफेसर हो, तुम्हारा उससे क्या मुकाबला है, तुम तो पीएचडी हो, तुम्हारा उस प्राइमरी मास्टर से क्या मुकाबला है, अरे तुम तो आईएएस अफसर हो, तुम्हारा उस क्लर्क से क्या मुकाबला है, तुम तो आईपीएस अफसर हो, तुम्हारा उस सिपाही से क्या मुकाबला है। तो जो जातियां काम करती हैं, वही काम अब हो रहा है। जाति क्या करती हैं, तेरी छोटी है, तेरी बड़ी है, जाति में भी जाति, जाति में भी जाति, जाति में भी जाति। वैसे ही जो सर्विस सेक्टर नया बना, जो लोगों ने नौकरियां की या जो लोग पढ़े, उसमें डिवीजन और उसमें क्लास बन गए। क्लास बनना, डिवीजन बनना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मगर ये लेवल सिर्फ एजुकेशन तक होना चाहिए, रोजगार तक होना चाहिए। आपका रोजगार क्या है, भाई मेरा रोजगार है मुझे तनख्वाह ज़्यादा मिलती है तो काम में थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, जो पढ़ा लिखा करता हूँ, जैसा नियम बनाया है। आपका रोजगार क्या है, भाई रोजगार तो मेरा भी है। जैसे सपोज एक बड़ा अफसर है और उसके नीचे एक चपरासी है, तो दोनों के रोजगार में अंतर है, दोनों का काम करने का अलग है, मगर दोनों की रोजगार की श्रेणी एक ही है, पैसा अलग अलग मिलता है उनको, मगर सामाजिक स्तर बदलना नहीं चाहिए। वो लोग जो प्रतिनिधि लोग थे, वो सामाजिक स्तर को बदलने में कामयाब हो गए। अरे चपरासी से बात करोगे, चपरासी के यहाँ तुम ऐसा करते हो, जबकि उनके यहाँ सामाजिक स्तर एक है और सेम है, उन्होंने अपना सामाजिक स्तर नहीं बदला। ऑफिस के बाद में, दफ्तर के बाद में वो सारे लोग एक होते हैं, जब वो अपने किसी संगठन में जाके बैठते हैं, जब बातचीत करते हैं, तो वहाँ आपको जान के हैरानी होगी कि जो दफ्तर में चपरासी है उस संगठन का बड़ा पदाधिकारी है, और जो वहाँ का बड़ा अफसर है उस संगठन में छोटा पदाधिकारी है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता वहाँ, वो चपरासी ज़्यादा टाइम देता है, तो वहाँ उसकी इज्जत है, वहाँ वैल्यू है, वहाँ उसकी बात सुनी जाती है। मगर हमारे एससी एसटी ओबीसी यानी समण समाज में इसको उल्टा किया गया है। जो घर पे अफसर है, जो दफ्तर में अफसर है, वो समाज में भी अफसर है, वो हर जगह अफसर है, यानी वो 24 घंटे अफसर ही रहता है, और जो बेचारा चपरासी है वो 24 घंटे चपरासी रहता है, चाहे वो कितनी अच्छी बात करे। यानी जो दफ्तर का माहौल है वो घर में भी है, वो समाज में भी है, उससे क्या है, वो बाइफर्केट हो गए, वो टूट गए, वो टुकड़ों में आ गए, और एक नया जाति सिस्टम बन गया जो हमको नुकसान पहुंचाता है। यही कारण है कि हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव काम हैं, जितने भी सामाजिक काम हैं, या जितने सरकारी काम हैं, जितने भी हमारे राजनीतिक काम हैं, वो नहीं होते, क्योंकि वो कहते हैं अरे चपरासी की बात सुनते हो तुम, चपरासी कहाँ से आ गया, इसको मुंह लगा रखा है तुमने, ये कौन है, ये क्लर्क है, ये एलडीसी है, ये सी ग्रेड का है, ये डी ग्रेड का है, ये सफाई वाला है, ये फलाना है, ये ढलाना है। उससे दोनों को नुकसान होता है, अफसर उनको प्रोटेक्ट नहीं करता, वो अफसर को प्रोटेक्ट नहीं करते, दोनों आपस में रोते रहते हैं और एक दूसरे को उल्टा सीधा बकते रहते हैं, और दोनों में छोटी समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझें और इस बात को अच्छी तरह से जानें कि दफ्तर में जब आप काम करते हैं या किसी संस्थान में आप काम करते हैं या किसी जगह काम करते हैं, तो आपके काम का लेवल रोजगार का लेवल है, सामाजिक लेवल नहीं है। यानी कि कोई आदमी डिप्लोमा करके आया है या छोटा पढ़ के आया है तो छोटा काम कर रहा है, कोई ज़्यादा पढ़ के आया है तो ज़्यादा काम कर रहा है, वो आपका प्रोफेशन है। वो छोटा पढ़ा, जो छोटा व्यक्ति है, जो कम पढ़ा है, वो ज़्यादा पढ़ लेगा तो आपकी श्रेणी में आ जाएगा ज़्यादा पढ़े में, मगर सामाजिक स्तर पर वो अलग बात है। सामाजिक स्तर पर जो समाज का काम करता है वो ज़्यादा पढ़ा है। तो मुझे इस बात का अफसोस नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ
कि वो ऐसा व्यवहार करता है, और व्यवहारों को एनालिसिस करना मेरा एक तरह से शौक भी रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, तो उससे मुझे नए नए आइडियाज आते हैं आप लोगों को बताने के लिए कि ये कैसे काम करता है। ख़ास तौर से जो विपस्सना है, जो साधना है, जो बुद्ध की जो आइडियोलॉजी है, जो बुद्ध की टेक्निक है, और जो बुद्ध की सारे के सारे धम्मपद हैं, उसमें एक एक बात क्लियर लिखी हुई है कि कैसे आदमी बिहेव करता है, उसका बिहेवियर कैसे बदलता है, बिहेवियर पैटर्न कैसे काम करता है, और कैसे वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, और सोसाइटी में कैसे रिपेल करता है, और सोसाइटी कैसे उसमें अंदर जाती है, और सोसाइटी से कैसे वो बाहर आता है। तो ये चीज़ें इसलिए क्योंकि आप इन छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो शायद आपके बच्चे बच जाए, क्योंकि समय बड़ा ख़राब आ रहा है, इमरजेंसी और आपातकाल है, आपके सारे रोज़गार जा चुके हैं, आपके पास ना ज़मीन है, ना आपके पास में इंडस्ट्री है, ना आप खेतों के मालिक हैं, ना इंडस्ट्री के मालिक हैं, आपके पास में छोटी मोटी नौकरी थी वो भी प्राइवेट हो गई है, पता नहीं मिले या ना मिले, सरकारी संस्थान ऑलमोस्ट सब प्राइवेट हो चुके हैं, एजुकेशन बहुत महंगी हो चुकी है, और जो एजुकेशन ले चुके हैं लोग उनके लिए कहीं सेक्टर है नहीं, विदेश आप जा नहीं सकते क्योंकि आप बुद्धिस्ट नहीं बने, तो बुद्धिस्ट कंट्रियों में आपकी एंट्री है नहीं। जो मुसलमान है भारत में वो मुसलमान कंट्री में चले जाते हैं, जो ईसाई हैं वो ईसाई कंट्री में चले जाते हैं, बाकी आप बुद्धिस्ट हैं और आप बुद्धिस्ट पूरे हुए नहीं तो आप बुद्धिस्ट कंट्रियों में बैन हैं, आप जा नहीं सकते क्योंकि आपने अपनी कोई वैल्यू बनाई नहीं। इसलिए ध्यान रखिए अपना और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए अगर बचना है भविष्य में। धन्यवाद। Sangam Sarnam Garchami.